Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching Facts Bit Talk. Today we are going to complete that chapter which we left last day. So today we will go and continue the same chapter, which was people as a resource. So I request all the children to please open your books and go to the page number 25. Yeah. Go to the page number 25 and we are going to continue this chapter, people as resource. And today's date is 5th June 2021, economics chapter 2, people as resource. So, in this chapter, the last day we discussed about the types of unemployment, where we saw that there are many types of unemployment. One is complete unemployment, the other is seasonal unemployment, and other one, the third one is disguised. Seasonal means जब कोई किसान या कोई कामगार साल के कुछ महीने में काम उसके पास होता है और कुछ महीनों तक वो बेरोजगार बैठा होता है, तो ऐसे स्थिति में जिन महीनों में काम नहीं होता तो उसे ही हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे किसान खेती की बुआई करता है, खेत में धान लगाता है और उसकी कटनी तक उसके पास काम होता है, परंतु कट जाने के बाद अगली फसल का समय होने तक वो बेरोजगार होता है, तो दिस इज नॉन ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा एक और होता है डिसगाइज्ड। मैंने बताया था आपको, जहाँ एक प्लॉट में चार लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पांच लोग काम कर रहे हैं, तो एक आदमी क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी का शिकार है, इसका मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो ये है, इसमें कौन कौन से फैक्टर है, एक जो पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाते हैं, एक हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स होने के लिए जो फैक्टर्स है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स को मेंशन किया गया था। हेल्थ में हमने पढ़ा है कि हेल्थ से क्या होता है कि ये आपके मतलब प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर देता है। एक हेल्दी मजदूर जितना काम कर पाएगा, एक अनहेल्दी या कमजोर या अस्वस्थ मजदूर उतना ही काम नहीं कर सकता। तो ये तो एक बात थी, हमने पढ़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ, आई बेग योर पार्डन, देयर इज अ स्टोरी गिवन ऑफ अ विलेज। सो देयर वाज अ विलेज इनहैबिटेटेड बाय द सेवरल फैमिलीज। एक गांव था जिसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे, बहुत सारे परिवार के लोग रहते थे। ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड इनफ टू फीड इट्स मेंबर्स। ईच फैमिली मेट इट नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। उस गांव में सभी लोग, कुछ लोग कपड़े बुनने वाले बुनकर प्रजाति के लोग थे, कुछ लोग फसल उगाने वाले काम उगाने वाला काम करते थे, कुछ जो शिक्षित लोग थे वो अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दिया करते थे। तो इस तरह से वो सर्विसेज का एक्सचेंज करके और अपना एक प्रोडक्ट दूसरों को देते थे, दूसरों से दूसरा उनका वाला प्रोडक्ट लेते थे। इसमें एक हिसाब से वहाँ बार्टर सिस्टम ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स वहाँ पे चल रहा था, और इस तरह से पूरा गाँव जो है एक दूसरे की मदद कर रहा था और साथ ही रह रहा था। तो क्या हुआ, वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड देयर इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। एक परिवार के सदस्यों ने सोचा कि हम अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज भेजेंगे, वहाँ से इसको कृषि विद्या में कृषि में ये पढ़ाई करके आएगा और कृषि वैज्ञानिक बनेगा, कृषि के बारे में रिसर्च करेगा और बेहतर से बेहतर कृषि तकनीकों को जान समझ पाएगा। एग्रीकल्चर कॉलेज भेजने के लिए इन लोगों ने डिसीजन लिया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज।
वो एग्रो इंजीनियर होने के बाद वो फिर से वापस गांव में आ जाता है, और आने के बाद वो क्या करता है, ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव द टाइप ऑफ प्लग व्हिच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द व्हीट। उसने एक विशेष किस तरीके का एक हल का डिजाइन किया जिसके माध्यम से खेत की जुताई अच्छे तरह से हो रही थी, वैसे यील्डिंग यानी प्रोडक्शन बढ़ गया गेहूं का। तो दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ द विलेज। गाँव में, गाँव के खेतों में अब एक एग्रो इंजीनियर का काम वहां पे सृजन किया गया। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग विलेज, दे अर्न्ड गुड प्रॉफिट विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। गांव के सभी लोगों ने गांव में एक मीटिंग बुलाई और सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने गांव में एक स्कूल खोलेंगे, और स्कूल में वो बच्चे सब जो भी बच्चे पढ़ने वाले एज ग्रुप के वो पढ़ने जाएंगे उसमें। दे ऑल वॉन्टेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन। सभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वैसा उन गाँव के लोगों ने भी किया। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन स्कूल इन द विलेज। गाँव में एक नई विद्यालय खोलने का इन लोगों ने प्रस्ताव रखा। दे अश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। सभी लोगों ने निर्णय लिया और सभी लोगों ने इस बात की सुनिश्चितता की कि हम लोग सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम द नियर बाई टाउन, पास के शहर से एक शिक्षक को उसमें रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया। ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। सभी बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। After some time, one of the families gave training to this daughter in tailoring. एक गांव के किसी परिवार ने अपनी बच्ची को टेलरिंग में ट्रेनिंग दिया, यानी सिलाई मशीन का काम उसको सिखाया, उसको दर्जी का काम सिखाया। और दर्जी का काम सिखाने के बाद क्या हुआ, She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. गांव के सभी लोगों के लिए उसने कपड़े सिलना शुरू किए। कपड़े सिलने के बाद जब वहां पे अवेलेबल होने लगा तो गांव के सभी लोग अब सिली हुई मतलब कपड़े सिला के अच्छे से वेल डिजाइंड कपड़े पहनना उन लोगों ने सीखा। मैंने उसका अब उन लोगों को आदत लग गई अच्छे कपड़े पहनने की। दस एवरी वन दस नादर न्यू जॉब ऑफ टेलर वॉज क्रिएटेड। इस तरह से वहाँ पे एक टेलर का भी जॉब वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। दिस हैड नादर पॉजिटिव इफेक्ट, the time of the farmers in going for buying clothes was saved. जो किसान वहाँ के जाते थे दूर बाजार से कपड़े खरीद कर लाया करते थे, अब क्या ये लड़की कपड़े ले आती थी, कपड़े बना बना कर उनको बेचती थी, तो इस तरह से उनका टाइम बच जाता था। एज द फार्मर्स स्पेंट मोर टाइम इन द फील्ड, अब खेतों में ज्यादा काम करने का समय उनके पास उपलब्ध होता था। द यील्ड ऑफ द फार्मर्स वेंट अप, इस तरह से उनका उत्पादन, उनका जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, अधिक उत्पादन होने लग पड़ा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, इस तरह से गांव में संपन्नता का दौर शुरू हुआ। और द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम, अब जितना वो खा पाते उससे अधिक उनके गांव में उत्पादन हो पा रहा था। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू द अदर हु केम टू देयर विलेज मार्केट्स, जो उनके गांव में आते थे बड़े बड़े कारोबारी व्यापारी, उनको वो लोग प्रोडक्ट बेच देते थे। ओवर टाइम दिस विलेज which formerly had no job opportunity in the beginning had many like teacher, tailor, agro engineer and many more. इस तरह से जिस गांव में कोई भी रोजगार का संसाधन या व्यवस्था नहीं थी उस गांव में भी कई तरह के रोजगार का सृजन किया गया, जैसे कि शिक्षक का, एग्रो इंजीनियर का और साथ ही साथ टेलर का, कई तरह के कामों का वहाँ सृजन किया गया। आज हमारे हर गांव में हम देखते हैं कि हमारे गांव में एक किराने की दुकान होती है, सब्जी वाले की दुकान होती है, दूध वाले की दुकान होती है, फल वाले की दुकान होती है, और किराने की तो ना जाने कितनी दुकानें होती हैं, हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, टीन बेचने वालों की दुकानें होती हैं, बहुत सारे हार्डवेयर शॉप्स भी हर गली गली में देखने को मिलता है। बाल काटने वाले हजाम की दुकान होती है, कपड़ों वाले की दुकान होती है, दर्जे की दुकान होती है, मोची की दुकान होती है, सैकड़ों प्रकार की दुकानें हर गांव गांव में आज मिलती हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल इनेबल टू इवॉल्व इन टू अ प्लेस रिच विद द कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस तरह से एक सीधे साधे गांव में कई तरह के कॉम्प्लेक्स और कई तरह के बहुत ही आर्थिक गतिविधियां वहां पर शुरू हो गई, और इस तरह से वो गाँव संपन्नता के
पथ पर यानी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देयर आर 15 क्वेश्चंस गिवन इन दिस चैप्टर। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन टू मेक ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव टू मेक दिस 15 क्वेश्चंस अलोंग विद दैट यू हैव टू फाइंड आउट 5 इंटरनल क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन द फेयर कॉपी सेंड इट टू मी इन द ग्रुप। सो इन दिस चैप्टर व्हाट डू वी स्टडी, we studied that what is a human resource, how a people, how the population of a country can become useful human resource for that country or any population which has some skill, talent and education along with the good health, they can prove themselves as very useful resource for the country. Thank you, have a nice day.